आज हम बात करेंगे जी एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर जो आप नॉर्मली करते भी हैं स्प्रे, यानी कि आप अपनी पत्तियों के ऊपर स्प्रे करते हैं। नॉर्मली आप सिर्फ पानी का स्प्रे करते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं जी एक ऐसा टॉनिक, एक ऐसी ज़बरदस्त खुराक यानी कि खाना जो आप पत्तों को अगर स्प्रे करके प्रोवाइड करेंगे तो आपने जो स्प्रे किया है उसकी वजह से आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी कि आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको पिंचिंग करनी पड़ेगी और भी ज़्यादा घना बनाने के लिए, यानी कि आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से आएगी जी नज़र जैसे कि आप हमारे इन प्लांटों की देख रहे हैं। नॉर्मली हम इसके अंदर खाद डालते रहते हैं लेकिन हम पत्तों के ऊपर स्प्रे भी करते हैं, उससे क्या होता है हमारे पत्ते भी धुल जाते हैं, शाइनिंग आती है उनके ऊपर और साथ में जो खाना जो पत्तों के थ्रू जो पौधा लेता है वो उसको भी मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे पत्ते होते हैं जी हमारे नॉर्मल पत्तों के पीछे होते हैं जी स्टोमेटा, ठीक है, पत्तों के ऊपर सुराख होते हैं जी बारीक बारीक, जैसे कि हमारे शरीर के ऊपर सुराख होते हैं ना बारीक बारीक जहाँ से पसीना निकलता है, तो ऐसे ही पत्ते उन सुराख के जरिए इनको कहते हैं जी स्टोमेटा, उसके थ्रू वो जो हवा के अंदर, ठीक है, जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उसको लेते हैं फिर फिल्टर करके आपको एक फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर आप पत्तों के ऊपर वो सप्लीमेंट डाल देंगे यानी कि वो खुराक देंगे तो पत्तों के थ्रू भी वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और पूरे सिस्टम के अंदर उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो उसी के अंदर आज हम बात करेंगे जी, आज है जी हमारा एक बहुत ज़बरदस्त एक स्प्रे का सॉल्यूशन जो आप अगर अपने पौधों के ऊपर करेंगे तो आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ जाएगी। एक तो है जी हमारा NPK और दूसरा है जी हमारा ये एप्सम सॉल्ट। प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। एक तो होता है जी हमारा नॉर्मल NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एक होता है जी मैग्नीशियम, ठीक है, जो आपको मिलेगा जी ये हमारे एप्सम सॉल्ट, सल्फेट, मैग्नीशियम और छठा होता है जी हमारा कैल्शियम। कैल्शियम हमको मिल जाता है जी बोन मील के थ्रू, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ठीक है जी। NPK सॉल्यूशन हो गया हमारा, ये पानी के अंदर अच्छी तरीके से घुल जाता है, बट ये होता है जी हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र। लेकिन ये जो हमारा जो एप्सम सॉल्ट होता है ये होता है जी फुल्ली ऑर्गेनिक, और इसको भी आप अगर अपने प्लांट के अंदर यूज़ करते हैं तो आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आप इसके सॉल्यूशन को डायरेक्ट पानी के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है, और जो स्प्रे करते हैं उसके अंदर आप इसको मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी हो जाती है जी आधी। हम जो स्प्रे बना रहे हैं जी पानी का, जो हम अपने फाउंटेन से यानी कि शावर के थ्रू से करेंगे जी इसके ऊपर, उसका रेशो क्या होगा कि आपको 1 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम सिर्फ, कितनी जी 2 ग्राम मिलानी है जी NPK। NPK या हमारा 5 ग्राम का है जी चमचा, ठीक है जी, हमने इसके अंदर ले लिया है जी 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम हमने इसके अंदर डाल दिया ये, ठीक है। और 1 ग्राम के करीब आपको लेना है जी एप्सम सॉल्ट, कितना जी 1 ग्राम, 1 लीटर पानी में। तो ये जो सॉल्यूशन होता है बहुत तेज़ी से पानी के अंदर घुलता है, यानी कि आपने 1 लीटर पानी डाल दिया, हम इसके अंदर 1 लीटर डाल रहे हैं जी पानी, ठीक है, और 1 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम डालना है जी NPK, ठीक है जी, कितना जी 2 ग्राम NPK और 1 ग्राम आपको डालना है जी इसके अंदर, क्या आपका ये एप्सम सॉल्ट, यानी कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है जी फायदेमंद आपके प्लांट के लिए। और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया तैयार और हमने इसको स्प्रे बॉटल के अंदर भर लिया है, ठीक है जी। उसके बाद आप होगा जी असल खेल स्टार्ट, ठीक है जी। एक तो है जी आपके नॉर्मल पौधे, ऐसे पौधे जो आप कंज्यूम करते हैं, यानी कि तुलसी की पत्तियां हो गई, ठीक है, और हमारी ये मीठी तुलसी हो गई, ठीक है, जो पत्तियां आप खाते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मेथी है, इसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं लेकिन हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हम ऐसी चीज़ों के ऊपर इसको स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि जो NPK है वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो केमिकल बेस्ड है, यानी कि इनऑर्गेनिक है वो। हम इसको स्प्रे करेंगे जी हमारे इंडोर प्लांट्स के ऊपर, ये है जी हमारा जेट प्लांट, ठीक है, आप हम इसके ऊपर कर देते हैं जी स्प्रे। जेट प्लांट हो गया, हम इसकी पत्तियों के ऊपर फुल्ली तरीके से कर देंगे जी स्प्रे। और स्प्रे करने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो करनी है जी आपको शाम को, यानी कि अब हमारा देख सकते हैं सूरज डाउन हो गया है, शाम हो चुकी है और नमी आ चुकी है जी हवाओं के अंदर। वहीं अगर आप चाहें तो उसको सुबह मॉर्निंग के अंदर, अर्ली मॉर्निंग के अंदर, यानी कि सूरज निकलने से पहले पहले, यानी कि 7-8 बजे तक बस, उसके बाद क्या होगा
धूप तेज हो जाती है, जब धूप तेज हो जाती है तो उस वक्त आपको स्प्रे नहीं करना, क्योंकि पानी गर्मी की वजह से हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, और आपको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगे। तो सबसे बढ़िया टाइम होता है शाम के वक्त का, ठीक है जी। ये है जी हमारा सिल्वर एग्नोनिमा, ठीक है, इसके ऊपर भी हम कर देते हैं जी इसको अच्छी तरीके से स्प्रे। और सबका चहिता हमारा मनी प्लांट, तो मनी प्लांट के पत्तों के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं जी खुली तरीके से स्प्रे, ठीक है जी। तो इसकी ग्रोथ देखेंगे आप कितनी तेजी से होगी। एक तो आप इसको पानी में भी डाल सकते हैं, पानी में डालने की जो डोज है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी जी, 1 लीटर पानी में आपको मिलाना है जी 5 ग्राम, और उसको आप सीधे मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। स्प्रे करेंगे तो आपको 1 लीटर में 2 ग्राम मिलानी है जी एनपीके, और 1 ग्राम डाल मिलाना है जी आपको एनपीके। और आप अपने सारे ये है जी हमारा कोलियस, ठीक है, बहुत शानदार आप देखेंगे इसकी जो कलर आएंगे जी निकल के पत्तों के, बहुत ही खूबसूरत कलर आएंगे। ये हमारा है जी एक और कोलियस की वेराइटी, ठीक है। तो इनके पत्तों पे अगर आप ये स्प्रे करेंगे फिर देखिए जी इनकी खूबसूरती आप देखो कैसे निकल कर आएगी जी सामने। हम आपको अपडेट भी देंगे जी इसकी ग्रोथ का, एक तो ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी और पत्ते भी होंगे जी बहुत ज्यादा शाइनिंग, ठीक है। ये हो गया जी हमारा, आप देख सकते हैं क्या है जी हमारा ये कोलियस। ये है जी हमारा सिंगोनियम यानी कि एरो हेड, ठीक है, इसके भी पत्तों के ऊपर आप स्प्रे कर दें, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपकी धूल मिट्टी भी साफ होगी और इनको प्रॉपर खाना भी मिलेगा। तो आप 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर जैसा भी आप चाहें, महीने के अंदर कम से कम आपको एक बार स्प्रे करना है जी, बहुत ज्यादा जरूरी। ये है जी हमारा अम्ब्रेला यानी कि शपलेरा, ठीक है, इसके ऊपर भी हम कर रहे हैं जी स्प्रे। मनी प्लांट हो गया हमारा, इसके ऊपर भी आप अच्छे तरीके से कर दें जी ये स्प्रे, ठीक है जी। बहुत ही ज्यादा आपके जो 6 मेजर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर आपको चाहिए, तो उसके लिए आप सीवीड फर्टिलाइजर का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्लांट के अंदर जरूरत होती है, वो 6 के 6 आपको उसके अंदर मिल गए। कैल्शियम को छोड़कर आप देखेंगे 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको इस स्प्रे के माध्यम से मिल गए, और आपके पौधों की जो ग्रोथ होगी वो देखेंगे आप कितनी जबरदस्त तरीके से होगी जी स्टार्ट।